सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, स्वागत है लुकेस ब्लॉग्स में आप लोगों का। तो तैयार हो जाइए अपने वेकेशन को बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए। तो आज मैं आपको लेके जा रही हूँ अम्यूजमेंट प्लस वाटर पार्क जो है सोनीपत में जुरासिक पार्क। जैसा कि आप सबको पता है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मियों को छुट्टियाँ भी पड़ गई है, तो लोग इधर उधर भाग रहे, कोई हिल स्टेशन जा रहे, कोई कुल्लू मनाली जा रहे, कहीं जा रहे कहीं जा रहे। और हमारा प्लान था एक्चुअली मसूरी जाना, लेकिन मसूरी का प्लान जो है ना कैंसिल हो गया किसी वजह से। तो हम सोच रहे थे कि चलो बच्चों को यहाँ पर घुमा रहे थे, लेकिन बच्चों का भी मन नहीं था मसूरी जाने का। वो कह रहे थे वाटर पार्क वाटर पार्क, पानी से इतना लगाव है इनको। हाँ जी, तो इसका जो टाइमिंग है ना वाटर पार्क का, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, याद रखिएगा 6 बजे तक। अगर 6 बजे से पहले आपने अम्यूजमेंट पार्क का मज़ा नहीं लिया तो वो लोग नहीं देंगे, बहुत सारे राइड्स आप छूट जाएंगे। तो ऐसा करिएगा जल्दी से जल्दी आप वाटर पार्क का मज़ा ले लें और फिर अम्यूजमेंट पार्क जाए, फिर हो सके तो आप लोग वाटर पार्क जाए। लेकिन नहीं कर सकते ऐसा क्योंकि कॉस्ट्यूम चेंज हो जाते हैं, फिर मैं बाद में समझाऊंगी आपको। यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं जुरासिक पार्क, ठीक है जी, वाटर प्लस अम्यूजमेंट पार्क। और यहाँ पे स्नो वर्ल्ड भी है, उसका टिकट अलग से लगता है, ठीक है जी। तो हम चारों का जो टिकट का पूरा कोर्स था, तो खाना पीना और ड्राइवे जो हम लोग ओला में आए थे गए थे, सबका किराया टोटल हमारा 10,000 तक पड़ गया था। तो एंट्रेंस में आपको इस तरह का गेट दिखेगा जो कि किला टाइप है, ठीक है जी। तो यहाँ पे पार्किंग एरिया भी, अपना गाड़ी लेके आ सकते हैं आप। हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई थी, ऑफलाइन कराई थी। और हाँ, बच्चा का नवाज़ तो बच्चा ही है, पहले तो उन्होंने बोला कि ये एडल्ट है तो इसका भी पूरा टिकट लगा, पूरा टिकट लग गया इसका। और जब अंदर गया ना बेचारे को, बच्चा बोल के बहुत सारे राइड से बेदखल कर दिया गया, बेचारे को चढ़ने ही नहीं दिया गया कि ये बच्चा है बोल के। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप इनको देखिए, पहले तो इन्होंने बोला कि ये एडल्ट है और इसकी पूरी टिकट लगेगी, और जब अंदर गया तो कह रहे थे कि बच्चा है, इसमें नहीं चढ़ सकता, उसमें नहीं चढ़ सकता। तो इनको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि इनको क्या करना है। और यहाँ पर जब हम लोग अंदर गया ना, बैग में थी सैंडविचेस, 2 सैंडविचेस थी और एक पानी की बॉटल। तो इन्होंने सैंडविचेस कहा कि आप बाहर खा के आ जाओ या आप तो अंदर लेके जा नहीं सकते। तो हमने इसको बाहर खा लिया, बच्चों को खिला दिया, और पानी के बोतल में जो पानी थी वो भी फेंकवा दिया इन्होंने। अब बताओ ये कोई तरीका हुआ। यहाँ पे हम अंदर आ गए थे, अपने कॉस्ट्यूम्स लेके गए थे, लेकिन जब हम लोग अंदर जाने के लिए लिए ना, तो उन्होंने रोक लिया और कहा कि ये कॉस्ट्यूम नहीं चलेंगे, आपको यहीं से लेना पड़ेगा लाइक्रा की। तो और कोई तो उपाय था नहीं, अब जब आ ही गए थे तो हमने फिर 600 रुपये दे के अपने कॉस्ट्यूम्स लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आप जाए ना, अगर अपने कॉस्ट्यूम लेके जाए तो वो लाइक्रा फैब्रिक ही हो, बाकी कोई फैब्रिक ये लोग अलाउड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जब अंदर गए तो ये पहले एंट्रेंस में ही रेन डांस हो रहा था। यहाँ पे हम लोग लास्ट में गए थे, तो सबसे पहले हम लोग वाटर पार्क स्लाइड में ही गए। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक डायनासोर दिखेगा जिसका सर हिल रहा है, और बच्चे इतने एक्साइटेड थे, उनको पहले पानी में जाना था, पानी में स्लाइड 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 चारों ओर बस स्लाइड। और मुझे तो इतना डर लगता है पानी से, लेकिन इस बार पानी में मैंने एंजॉय किया। ये जो स्लाइड है ना, इसी में मैं और कशिश चढ़े थे, और हम लोग दोनों ही पहली बार में डुबकी लगा दी, मतलब डूब गए थे हम लोग, पानी तक पी लिया था, नाक कान सब में पानी घुस गया था। और नवाज तो इतनी मज़े से स्लाइड कर रहा था जैसे पता नहीं कितनी प्रैक्टिस। बहुत कंपनी है, उसमें जा। हो गया था हमारा। और यहाँ पे बस हम लोग पानी में इसी तरह से आधा डूब के से खेल रहे थे, और मेरे हस्बैंड को अच्छे से तैराकी आती है तो वो तैर रहे थे और हम लोगों को सिखा भी रहे थे कि तैर लो। अब हम लोग कहाँ सीखेंगे, हम लोग तो डरते हैं पानी से, माँ बेटी और बाप बेटे तो खूब मज़े ले रहे थे। ये देखो मेरे हस्बैंड कितने अच्छे से तैर रहे हैं, क्योंकि इनको आदत है, ये पता है गाँव के हैं, गाँव में इनको, इन्होंने ना अपने खेत में काम किया है, इन्होंने अपने पौंड वगैरह नदी से इनको बहुत मतलब लगाव है, और बहुत ही पुराना नाता रहा है। ये देखो मैं बस छाई छप्पा छाई ही करने गई थी, ऐसे खेल खेल के बच्चों की तरह खेल के, और आगे असली राइड्स का तो मैं मज़ा ही नहीं ले पाई क्योंकि पानी में मुझे तैरना आता नहीं है। और नीचे जो है ना टाइल्स टाइप के कुछ लगाया हुआ था जो फिसल रहा था। ये जो राइड मैं आपको दिखा रही हूँ ना, बहुत ऊंची थी, इसमें नवाज जाने की जिद कर रहा था लेकिन हमने जाने नहीं दिया क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, यू नो, बच्चों के लिए ठीक नहीं है। ठीक ही किया कि बच्चों को बहुत सारे स्लाइड्स में अलाउ नहीं किया, लेकिन उनको कम से कम इस तरह से टिकट के पैसे पूरे नहीं लेने चाहिए थे। अच्छा, मैं अभी आपको रूल्स बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जब आप आएंगे ना वाटर पार्क, आपको जाना है तो चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप फैब्रिक लेके आए हैं, लाइक्रा वाली कॉस्ट्यूम लेके आए हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको वहाँ परचेस करना पड़ेगा, लॉकर रूम में आपके सामान रखना पड़ेगा, उसकी भी आपको की मिलेगी। उसके बाद आप वाटर पार्क वगैरह इंजॉय करके, ये देखो हम लोग रेन डांस कर रहे हैं, ठीक है, मैं अभी बताती हूँ आपको। तो उसके बाद आपको अम्यूज़मेंट पार्क जब जाने के लिए लेंगे ना, आपको फिर कॉस्ट्यूम चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये गीली होती है, और अम्यूज़मेंट पार्क में क्या पता करंट वगैरह लग जाए, इसीलिए वो लोग कहते हैं कि कपड़े चेंज करके आओ, तो यही प्रोसीजर होता है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो ऊपर स्क्रीन लगा हुआ है, जो लोग डांस करते हैं ना उसको जूम करके दिखाया जाता है। तो मैं वहाँ पे आराम से जब गाना चला ना, तो मैं डांस करने लगी और वो लोग ना मुझे कैमरामैन ने जूम कर दिया, और मैंने देख के मैं फिर और थोड़ा सा ज़्यादा दिखावा कर दिया।
तो इसके बाद हमने अम्यूजमेंट पार्क का मजा लिया, लेकिन यहाँ पे बहुत खतरा था इसलिए मैंने कैमरा छोड़ दिया, क्योंकि सब में हैंडल पकड़ना पड़ता था और कुछ राइड्स तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। आते टाइम तो बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि पहले हमने ऑटो लिया, फिर हम लोग बस से आए, फिर ऑटो से आए, इतना मज़ा, खुला खुला हवा लेके। और यहाँ पर मैं दिखा रही थी, देखो हमारे डार्क सर्कल्स कैसे हो गए थकावट से, और काजल भी पूरे फैल गई थी। वैसे काजल नहीं लगाया था, मस्कारा लगाया था मैंने, वो भी फैल गई थी। और बहुत ही मज़ा आया, आज का दिन जो अच्छा गया हमारा, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, हमने भी इन्जॉय किया, और पैसा वसूल था ये ट्रिप। और अगर आपको जाना है तो ज़रूर जाएँ वाटर पार्क, लेकिन जो गाइडलाइंस है वो पहले फॉलो कर लें, आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, और पैसों को कैसे बचत करनी है। वैसे बस का सफर भी बहुत ही अच्छा रहा, अगर ओला से नहीं जाना चाहते आप बस से भी जा सकते हैं। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।